नमस्ते। जैसे कि आपने पूरा सर्किट तो देख ही लिया होगा, तो मैंने ये जो क्या बोलते हैं जो आईसी को यूज़ किया है LM317, तो इसके जगह आप IRF540 भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने इसका ज़्यादा यूज़ किया क्योंकि ये इसी के काम ज़्यादा आती, वो भी यूज़ कर सकते हैं। और एक और आईसी भी है जिसका नाम है Z44, तो आप ये तीनों का यूज़ कर सकते हैं। बट ये जो है ना, जो ये LM317, ये मार्केट में हमको 10 रुपये में मिली थी, और वो जो आपकी IRF540 है वो थी 25 रुपये की, तो ये सस्ती पड़ेगी और अच्छी काम करती है। दोनों का काम सेम ही है, लेकिन उसका सर्किट इससे इजी है। उसमें क्या है, जैसे कि ये जो पोटेंशियोमीटर है हमारा, तो उसमें जो है वो डायरेक्ट लगता है आईसी से, लेकिन इसमें हमको 1K का एक रेसिस्टर यूज़ करना पड़ता है, जैसे कि आपको सर्किट में दिखा होगा। तो ये कुछ है तार वार, तो आप सर्किट में देख ही लिए होंगे, मैं आपको इसका वर्किंग सीधा डायरेक्ट दिखाता हूँ। ये हो गया, तो ये रहा मेरा डिजिटल मल्टीमीटर, इसको DC साइड में
सेट करते हैं 20 वोल्ट पे। ठीक, तो पहले चलिए हम इसको चेक कर लेते हैं कि ये हमारा 78/12 कितना वोल्टेज दे रहा है। वैसे उसको 12 देना चाहिए, लेकिन देखते हैं क्या दे रहा है वो। तो सेंटर वाला जो होता है हमारा वो होता है नेगेटिव और इधर साइड होता है पॉजिटिव। तो आपको ये दिख रहा होगा 16.4243 के आसपास दे रहा है ये। ठीक, तो ये हो गया। अब इसको वेरिएबल से चेक करते हैं, देखते हैं सबसे इसका छोटी वैल्यू कितनी देता है। मैं यहाँ से पोटेंशियोमीटर को अप डाउन करके देखता हूँ, ये बढ़ रहा है तो 15.60। और जैसा कि हम लोग इसमें 78/12 में जैसा कि चेक किए तो वो करीबन 16 के आसपास दे रहा था, यानी कि कुछ ओम का इसमें रेसिस्टेंस आ गया है। मतलब अगर आप 12 दोगे तो थोड़ा सा 12 के नीचे ही रहेगा, एग्जैक्ट 12 नहीं आएगा। ठीक, अभी उसको एकदम डाउन करते हैं। तो डाउन करने पे सबसे छोटी वैल्यू जो आ रही है वो 2 वोल्ट की आ रही है। तो अब जैसे 2 वोल्ट है ये वाली नॉर्मली जो एलईडी होती है हमारी 5mm वाली, ये करीबन 4 वोल्ट या 5 वोल्ट तक चलती है। तो मैंने इसको अभी चेक किया था तो ये 6 वोल्ट पे मतलब ये एलईडी जल गई थी। तो नॉर्मली 4 वोल्ट तक आप आसपास इसके देंगे तब ये अच्छे से ग्लो करेगी। फिर इसके बाद मोटर वगैरह चेक कर लेते हैं इसमें। तो दोस्तों मैंने जैसा कि इसको कनेक्ट कर दिया अपने मोटर को, तो चलिए इसको बढ़ा के देखते हैं। ये सबसे धीमा इतना ही चल पाएगा, तो इसको फुल स्पीड पे लेके चलते हैं। तो ज़्यादा देर तक नहीं चलाएंगे क्योंकि ये जो मोटर होती है केवल 9 वोल्ट पे चलती है और हम 15 वोल्ट दे रहे हैं तो ये जल जाएगी। तो यार इसके यूज़ तो काफ़ी हैं, आप छोटे मोटे चीज़ें जैसे आप अगर वर्क करते रहते हो, बैटरी आपको यूज़ नहीं करनी है जैसे 3 वोल्ट की हो गई या 5 वोल्ट 6 वोल्ट, तो आपके लिए ये सबसे अच्छा है। आप 78/12, 78/9 भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या है ना यार सर्किट ज़्यादा बड़ी हो जाती है और क्या बोलते हैं उसमें मतलब उसकी वायरिंग काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, वो जगह भी ज़्यादा लेता है। इसमें क्या है मैं तो जितना तार फैलाया हूँ आप इसको एकदम कॉम्पैक्ट बना के यूज़ कर सकते हो। तो यार वीडियो में बस इतना ही था, और कुछ जानना हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और बाकी इस वीडियो को आपने एंड तक देखा इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।